नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लाउड स्पीकर विवाद, लाउड स्पीकर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी कड़ी चेतावनी, कह दी ऐसी बात। जी हां दोस्तों, लाउड स्पीकर विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि राज्य में अब तक 1,00,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा नहीं लगाए जाएं। झांसी में मुख्यमंत्री योगी ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी की और कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,00,000 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगाए जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होने चाहिए, किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी नेताओं से अनबन की खबरों के बीच सीएम भगवंत मान से मुलाकात करेंगे सिद्धू। जी हाँ दोस्तों, पंजाब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। इसे लेकर पार्टी नेताओं की तरफ से उनका विरोध भी शुरू हो चुका है। इसके बाद कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। इसी बीच अब सिद्धू सोमवार 9 मई को पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। हालांकि दोस्तों, आधिकारिक तौर पर सिद्धू की तरफ से यह बताया गया है कि उनकी भगवंत मान से यह मुलाकात पंजाब आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर है। उन्होंने कहा कि पंजाब का विकास एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है। सिद्धू जिस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, उसी दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी है। इस बैठक में चिंतन शिविर के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ताजमहल पर हाई कोर्ट में याचिका, भाजपा नेता ने सालों से बंद 20 कमरे खुलवाकर उनकी जांच कराने की मांग की, सुनवाई मंगलवार को होगी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। ये याचिका भाजपा के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। 10 मई यानी कि मंगलवार को याचिका पर सुनवाई होगी। दोस्तों, तथ्य खोज समिति गठित करने की भी मांग की गई है। याचिका में ताजमहल को तेजो महल बताते हुए सरकार से तथ्य खोज समिति गठन के निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ताजमहल परिसर का सर्वेक्षण जरूरी है, जिससे शिव मंदिर होने और ताजमहल होने की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। समिति इन कमरों की जांच करे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके कि वहां हिंदू मूर्तियां या धर्म ग्रंथों से संबंधित सबूत हैं या नहीं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीपीएससी पेपर लीक के बाद बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई रद्द, एग्जाम के दौरान खूब हुई धांधली। जी हां दोस्तों, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक होने के बाद कैंसिल कर दी गई है। एग्जाम कैंसिल करने की जानकारी बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की गई थी। आरोप है कि पेपर परीक्षा शुरू होने से 7 मिनट पहले लीक हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेपर परीक्षा से कुछ देर पहले टेलीग्राम ग्रुप पर वायरल हो गया। टेलीग्राम पर वायरल हो रहा पेपर परीक्षा के दौरान दिए गए पेपर से मेल खा रहा है। रविवार को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा राज्य भर में 38 जिलों के 1,083 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए तकरीबन 6,00,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा 12 बजे से शुरू हुई, लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षा होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ देर बाद पेपर लीक की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा कर दिया। उसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुनव्वर फारूकी ने जीता कंगना रनौत का शो लॉकअप, मिले बिग बॉस की विनर तेजस्वी प्रकाश से भी ज्यादा वोट। जी हां दोस्तों, कंगना रनौत के मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने आखिरकार जीत लिया है। 70 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने विनर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मुनव्वर फारूकी के गेम को दर्शक पहले से ही काफी पसंद कर रहे थे, लोग तो उन्हें गेम का मास्टर माइंड भी बता रहे थे। ऐसे में लॉकअप का विजेता बन मुनव्वर ने यह साबित भी कर दिया कि गेम के असली मास्टर माइंड वही
थे। लोग विनर अनाउंसमेंट होने से पहले ही मुनव्वर फारूकी को शो का विनर मान चुके थे। वहीं मुनव्वर ने भी सभी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए अंत में विनर की ट्रॉफी अपने नाम की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस की विनर तेजस्वी परकस से भी ज्यादा वोट्स आए थे। दोस्तों मुनव्वर पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन है। लोकअप में एंट्री के साथ ही लोगों को मुनव्वर का रियल साइड देखने को मिला और शायद इसी वजह से लोगों का दिल जीतने में भी वे कामयाब रहे। इतना ही नहीं, शो के दौरान मुनव्वर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। ट्रॉफी के अलावा मुनव्वर ने 20 लाख रुपए कैश प्राइज मनी के साथ अर्टिगा और इटली का फॉरेन टूर भी अपने नाम किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटों में तेज चक्रवात में बदलेगा आसानी। उड़ीसा बंगाल में भारी बारिश की है चेतावनी, बिहार झारखंड में भी है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, साल के पहले चक्रवाती तूफान आसानी के अगले 24 घंटों में और तेज होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि यह तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में 970 किलोमीटर और 1020 किमी की दूरी पर है, वहीं पुरी से दक्षिण पूर्व दिशा में है। दोस्तों इस साइक्लोन ने शनिवार को अंडमान सागर से बंगाली खाड़ी में एंट्री की है, जिसके बाद मौसम विभाग ने ओडिशा और बंगाल में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 10 मई को ओडिशा के पुरी गंजाम के समुद्री तटों से तूफान टकरा सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया कि तूफान के दौरान हवा की स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। उधर दोस्तों बिहार झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कहा, जब तक भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बना था, भगवान मुझे मौत ना दे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की नजरें अब 2024 लोकसभा चुनावों पर भी टिकी है। दोस्तों बताया जा रहा है कि पार्टी इसके लिए लगातार तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य देश है। केजरीवाल ने कहा कि हम अपना करियर बनाने नहीं बल्कि अपने करियर को छोड़कर राजनीति में आए हैं। भारत माँ के लिए हम राजनीति में आए हैं, हम सत्ता पाने के लिए नहीं, देश बचाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से दो ही चीजें मांगता हूं, मेरा भारत दुनिया का नंबर वन देश बने। जब तक मैं भारत को दुनिया का नंबर वन देश नहीं बना था, तब तक मुझे भगवान मृत्यु ना दे। मुझे राजनीति नहीं बल्कि बस काम करना आता है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें चोरी करनी, भ्रष्टाचार करना, दंगा करना, गुंडागर्दी करना नहीं आता, लेकिन हमें स्कूल और अस्पताल बनाना आता है। महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों का हाल बहुत खराब है, पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 12वीं क्लास में सरकारी स्कूल के नतीजे 97% आए हैं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आए हैं। सरकारी स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग तोड़कर आलीशान बिल्डिंग बनाई, स्विमिंग पूल, लिफ्ट, प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कल के मुकाबले संक्रमण के ताजा मामलों में हल्की गिरावट, 24 घंटे में 3451 नए मरीज आए सामने। जी हाँ दोस्तों, रविवार को कल के मुकाबले संक्रमित के ताजा मामलों में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना संक्रमण के 3451 नए मामले सामने आए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक दिन पहले देश में 3805 नए केस दर्ज किए गए थे। आज के ताजा मामले कल के मुकाबले 9% कम है, यानी कि दोस्तों जहां मौतों की संख्या कल 22 हुई थी, वहीं आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से डेथ का रेट 40 मौतों पर पहुंच गया है, यानी कि मौतें ज्यादा हुई है। इससे कोरोना के होने वाले मौतों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,064 पर पहुंच गई है। अगर दोस्तों एक्टिव केस की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 20,635 है। एक्टिव मामलों की दर 0.05% चल रही है। पिछले 24 घंटों में एक्टिव मामलों में 332 मामलों की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए से ऊपर, 47 दिन में हर दिन 2 रुपए से ज्यादा बढ़ गए दाम। जी हाँ दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में शनिवार को 50 रुपए का इजाफा हुआ। इसके बाद दिल्ली में नई कीमतें 1000 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इसके अलावा इस बढ़ोतरी के बाद बिहार में गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए के पार कर चले गए हैं। यहाँ दोस्तों सुपौल में यह सिलेंडर 1104 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडरों के दाम 102 रुपए बढ़ाए गए थे। इसके बाद इनकी कीमत 2355 रुपए हो गई है।
दोस्तों पांच राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियों ने 22 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया था। इससे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर निकल गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 में 157 की रफ्तार मायने नहीं रखती, रवि शास्त्री की उमरान मलिक को बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अपनी तेज रफ्तार से आईपीएल 2022 में सनसनी फैला दी है। दो दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 157 की रफ्तार से गेंदबाजी की। यह आईपीएल में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंकी गई सबसे तेज गेंद थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। लेकिन पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि T20 क्रिकेट में इन रिकॉर्ड्स का कोई महत्व नहीं है जब तक कि वह गेंद सही जगह पर पहुंचने में कामयाब न हो जाए। दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में रवि शास्त्री ने उमरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह सही क्षेत्रों में गेंद को चैनलाइज करने का प्रबंधन नहीं करते हैं तो डिलीवरी दुगनी तेजी के साथ हिट हो सकती है। शास्त्री ने कहा कि वह बहुत जल्द भारत के लिए खेलेंगे, लेकिन यह सही नहीं है कि गेंद 156 की रफ्तार से बल्ले पर लगे और 256 की स्पीड से चली जाए। पेस अच्छी चीज है, पर यह आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि गेंद को सही जगह पर करनी है। अगर पेस के बाद भी रन पड़ रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईपीएल के पिछले मुकाबले में उमरान मलिक ने 156 और 157 की रफ्तार से गेंद फेंकी, जो कि किसी भी भारतीय गेंदबाज की तरफ से फेंकी गई अब तक की आईपीएल की सबसे तेज गेंद है।